हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सी अड्डा टी ट्वेंटी फोर सेवन के ऊपर आप में से बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था कि सर सी 2025 के बारे में बता दीजिए कि किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है क्या सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है साथ ही साथ इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी टाइमिंग मिलती है और कैसे हमें तैयारी करनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जिससे हम लोग अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना देख रहे हैं चाहे डेली यूनिवर्सिटी हुआ बी एच यू हुआ जामिया जे एन यू यूनिवर्सिटी ए ऐसी टॉप लेवल सेंट्रल लेवल जो देश की यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर एडमिशन ले पाए तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो एज जैसे मैं आप सभी को बोलता हूं हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी सीयूटी के अंदर टॉप वही करेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी तो ये टाइम बचा हुआ इसके अंदर, इस तरीके से करनी है कि सर सिलेक्शन से कम कुछ नहीं चाहिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सीयूटी का एग्जाम है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा ले तो सीयूटी का एग्जाम बेसिकली दो के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जिससे देश के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए सारे स्टूडेंट्स को क्यों क्योंकि पहले आप सभी जानते थे कि जो टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज होती थी उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स होते थे उनको कंसिडर किया जाता था बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो स्टेट टॉपर होने के बावजूद देश की जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज होती थी जैसे डी हुआ जेएनयू हुआ जामिया हुआ बी हुआ इनके अंदर एडमिशन नहीं ले पाते थे क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती थी तो स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए सीयू का एग्जाम 2022 के अंदर स्टार्ट किया गया फिर 2023 के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस आए 2024 के अंदर कुछ चेंजेस आए और उसके बाद में यह एग्जाम अब देश का सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम बन गया बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है तो एलिजिबिलिटी की जब बात की जाती है तो इसके अंदर सिंपल एक चीज आप सभी को पता होना चाहिए कोई भी वो बच्चा जो क्लास ट्वेल्थ में है या क्लास ट्वेल्थ पास कर चुका है वो इस एग्जाम को दे सकता है साथ ही साथ इस एग्जाम के अंदर कोई एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपना एज का क्राइटेरिया रखती हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जान लेना है बट अगर मैं बात करूं देश की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे डेली यूनिवर्सिटी उसके अंदर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता है साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो आगे अगर हम लोग बात करें कि सर इसका मीडियम और मोड क्या होता है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सीयूटी यू के एग्जाम की तो दो हजार के अंदर हजार सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया गया दो चौबीस के अंदर इसको हाइब्रिड मोड में ला दिया गया यानी कि कुछ पेपर्स ऑनलाइन हुए कुछ पेपर ऑफलाइन हुए बट ऑफलाइन वाले पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा खामियां देखने को को मिली बहुत ज्यादा हुई तो उन्हीं दूर करने के लिए अभी डिसीजन लिया जाना बाकी है कि है, है कि यार सीयूटी का एग्जाम वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाए तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी करते हैं तो सीबीटी मोड में तैयारी करें जिससे आप सभी को सारा एनालिसिस निकल के आ जाएगा कि यार आपकी परसेंटाइल कितनी है कितना आप लोग की एक्यूरेसी है स्पीड क्या है टॉपर के कंपैरिजन में आप लोग कितना टाइम ले रहे हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं पेपर के मीडियम की बात करूं तो जो आप लोगों का पेपर्स हैं वो आप लोगों के इंग्लिश हिंदी असमी बंगाली गुजराती कन्नड़ मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगू और उर्दू के अंदर आप सभी के क्या है पेपर्स आते हैं तो इसके अंदर आप लोग पेपर्स को चुन सकते हैं अगर हम लोग अब बात करें कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है क्या ओवरव्यू होता तो उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है किस तरीके के सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं पेपर के अंदर तो बेटा पेपर के अंदर आप सभी से एमसीक्यूज हुए असर्सन रीजन हुआ केस बेस्ड स्टडी हुआ इस तरीके के सवाल आप सभी से, से पूछे जाते हैं जिससे आप लोग कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हैं क्विक क्वेश्चंस को कर पाते हैं वो आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये क्या है मैं सिंपल अगर वर्ड्स में बोलूं तो आपके सामने पेपर्स बहुत सारे हैं उन पेपर्स में से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी जो ड्रीम का भी लैंग्वेजेस होती है टोटल इन दोनों को अगर मैं मिला के देखता हूं थर्टी थ्री लैंग्वेजेस आप सभी के पास है तेरह आपके वन ए के अंदर है, 1B के अंदर 20 है। अब इनमें से आप लोग चाहे एक लेना चाहो दो लेना चाहो जितनी भी लैंग्वेजेस आप लोग चूज करना चाहते हो वो ले सकते हो और इसमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए आप सभी को 45 मिनट्स दिए जाते हैं इसके बाद में बारी आती है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की 2024 के अंदर दो सब्जेक्ट नए ऐड किए गए एक फैशन का था और एक टूरिज्म का था तो उसके बाद में यहां पे डोमेन्स की संख्या है वो बढ़ के ट्वेंटी हो गई और इसमें से अगर मैं 23 थ्री डोमेन्स की बात करूं जो आपके क्या है इन छह सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो 23 थ्री है उनमें 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए फोर्टी फाइव मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है देन आप लोगों के जो छह सब्जेक्ट जो क्या है थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं यहां पर अगर अकाउंटेंसी की बात करूं केमिस्ट्री आपका कंप्यूटर साइंस हुआ इकोनॉमिक्स हुआ मैथमेटिक्स हुआ और फिजिक्स

2022 की बात करता हूं तो नौ सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते थे 2023 के अंदर बढ़ के ये 10 हो गए और 2024 के अंदर इनको घटा के मैक्सिमम छह सब्जेक्ट कर दिया गया यानी कि मैक्सिमम कितना कर दिया गया छह सब्जेक्ट कर दिया गया अब ये छह सब्जेक्ट आप लोग मैक्सिमम इसके अंदर से चूज कर सकते हो अगर मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं बेटा तो आप लोग यहां पे एक लैंग्वेज प्लस में तीन डोमेन प्लस में एक जीटी ले सकते हो जिसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये एक लैंग्वेज है इसके अंदर चाहो तो एक लैंग्वेज और बढ़ा लो क्योंकि एक लैंग्वेज और क्या कर सकते हो आप लोग बढ़ा सकते हो एक लैंग्वेज क्यों क्योंकि सर टोटल छह होना चाहिए तो चाहे एक लैंग्वेज बढ़ा लीजिए चाहे एक डोमेन लेकिन कंडीशन एक याद रखिएगा बेटा क्योंकि डेली यूनिवर्सिटी जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी है चाहे मैं बी की बात करूं तो डेली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है उन्होंने क्लियर कट आपको बोल रखा है कि जिस

देन आगे बढ़े तो आगे बात आते सर मार्किंग स्कीम क्या है तो सिंपली आप सभी को याद रखना है कि अगर आप लोग करेक्ट आंसर करते हो तो प्लस फाइव मिलता है रॉन्ग कर दोगे माइनस वन की नेगेटिव मार्किंग होती है कुछ भी नहीं करोगे तो जीरो मार्क्स मिलेगा साथ ही साथ अगर कल को यह होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप सभी के सामने आया उसके दो ऑप्शन सही है और दोनों में से कोई से भी एक ऑप्शन को आप लोगों ने टिक मार्क किया है तो उस केस में आपको फाइव मार्क्स मिलेगा इसके अलावा अगर मान लो कल को क्वेश्चन ही रॉन्ग है यह सारे ऑप्शन ही गलत है अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं किया तो नहीं मिलेंगे कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है तो तो उस केस में भी अगर आप लोग उसको अटेम्प्ट करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज नहीं मिलेगा तो ये पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर है समझ में आ गया सिंपल याद रखना है सही है तो पांच मार्क्स मिलेंगे गलत है तो माइनस वन की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की होती है इसके बाद में बारी आती है सर नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट्स क्या हैं जो एक्सपेक्टेड है इस बार तो देखो नोटिफिकेशन की डेट की बात बात करूं तो यहां पे हर बार मोस्टली वो लोग नोटिफिकेशन को फैब के महीने में रिलीज करते हैं अगर मैं 2023 की बात करूंगा तो फर्स्ट वीक के आसपास आ गया था यानी कि या दस के आसपास आ गया था अगर मैं बात करता हूं यहां पे 2024 के अंदर तो लास्ट वीक तक चला गया था लेकिन अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बात करूं इस बार नोटिफिकेशन 12 से लेकर 18 फेब 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा इस डेट के बीच में अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं तो 15 मई 2025 से ही आपके एग्जाम स्टार्ट होते हुए आपको दिखेंगे आंसर की की आप लोगों सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर देखने को मिलेगी और रिजल्ट डेट की बात करता हूं तो थर्ड वीक ऑफ जून के अंदर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इस बार ये पूरी कोशिश करेंगे जितना भी आप लोगों का प्रॉब्लम आई है जितनी भी प्रॉब्लम इनको देखने को मिली है उन सभी से यह दूर हो पाए और एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट करा पाए अगर इसके अलावा आप बात आती है सर हम लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है और आप वन स्टॉप बता दीजिए जिसके द्वारा तैयारी कर पाए तो सबसे पहले आपको मेनली अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीआर हुआ हुआ एनसीआरपलर हुआ और रेफरेंस बुक हुआ इनको आप लोगों को अपने पास रख लेना है जिससे आप सभी एग्जाम के अंदर फोड़ पाए और तैयारी जबरदस्त तरीके से कर पाए अब बारी आती है कि सर ऐसा कुछ वन स्टॉप सोल्यूशन बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोग तैयारी कर पाए तो वो है बेटा जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो जी हां अड्डा जी हां बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने ट्वेंटी फोर सेवन एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जिसने हर साल 200 में से 200 स्कोर देने वाले बच्चों की लड़ी लगा रखी है अगर मैं 2024 की बात करता हूं 2024 की अगर बात करोगे आप तो बेटा चार प्लस

साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वायरी है कोई भी परेशानी है कोई भी डाउट है तो ये यूनिवर्सल है आप अपने सीनियर से पूछ सकते सकते हो हो आप लोग मुझे मेल कर अपना अपना नेम अपना डाउट अपना मोबाइल नंबर जिसके द्वारा मैं आपसे संपर्क कर पाऊंगा और साथ ही साथ आप चाहे तो मेरा कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स गजेंद्र गजेंद्र सर इसके अंदर आप सभी आपसे प्यारे प्यारे जैसे आपके भाई और बहन आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं लगभग पच्चीस हजार से ज्यादा बच्चा इसके अंदर जुड़ा हुआ है थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अब मैं एक बार आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोग एनरोल कर सकते हो तो सिंपल ही भैया एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे जाना है यहां पे जाने के लिए सबसे पहले क्लिक करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे पहले लिंक पे क्लिक करना है और देन आपको आना है ऑल कोर्सेज पे ऑल कोर्सेज पे आने के बाद में यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाले बैचेज हैं इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम वाले बैचेज हैं ये रात सी यू टी महापैक साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पर आपको क्लिक कर देना है फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स कहें तो कॉमर्स पे क्लिक किया ये आपके लेटेस्ट बैचेस आप सभी के सामने आ जाते हैं फॉर एग्जांपल जैसे इस बैच के अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है बाई नाउ पे क्लिक करना है एंटर करना है कूपन कोड कौन सा जो अभी आपके भाई ने बताया वाई फोर एट फाइव ये वाई फोर एट आप जैसे ही लगाएंगे देखो ये छह के अंदर आपको बैच मिल जाएगा छह के अंदर और आपको ऑफ भी इतना ही रहा है। तो वाई फोर एट ध्यान लेकिन मेरे भाई, मैं तो आपको देखो, आपके फायदे की बात करता हूं हमेशा चाहे मैं आपके मेंटरिंग लेता हूं या कुछ भी तो आपको मैं एक ही बोलूंगा आपको फोकस यही करना है कि महापैक लें, क्योंकि महापैक के अंदर यह होता है, थोड़ा सा हजार पंद्रह रुपए महंगा होता है लेकिन उसके अंदर जितने भी बैचेस आपके आएंगे अड्डा ट्वेंटी के प्लेटफॉर्म पे अगले जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है यहां पे जाना है सीयूटी महापैक पे क्लिक करना है देखो ये ये है बुक वाला ये है बुना बुक वाला ये बुक वाला ये बिना बुक वाला तो आपको अगर आर्ट्स का चाहिए तो व्यू ऑल पे जाके कर लीजिएगा अदरवाइज देखो मैं बोल रहा हूं साइंस का बिना बुक वाला ही आपने ले लिया ई e बुक्स आपको मिल जाते हैं तो यहां पर जाना है बाई नाउ एंटर करना है कूपन कोड क्या है वाई फोर एट फाइव वही वाई फोर एट फाइव जैसे ही लगाएंगे मेरे भैया देखो आप सभी को कितने का मिल रहा है सात हजार चार सौ निन्यानवे पॉइंट सत्तर का है हो सकता है ये वीडियो जब आप लोग देख रहे हैं तो इसकी प्राइस थोड़ा और कम आपको देखने को मिल जाए बट याद रखिएगा कूपन कोड वाई फोर एट फाइव सो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए के के ऊपर और कमेंट सेक्शन अंदर बताइएगा कि क्या सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई है इस एग्जाम से रिलेटेड और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है कोई परेशानी है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा जिससे आपका भाई आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए और आपके सारे डाउट्स को दूर करा दे थैंक यू अनबाबा टूअर गॉड ब्लेस यू